पहला प्रश्न है एक दशमलव पांच मीटर लंबा एक दशमलव दो पांच मीटर चौड़ा और पैंसठ सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है इसे ऊपर से खुला रखना है प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए नंबर एक डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल दूसरा इस सीट का मूल्य यदि एक मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बीस रूपया है यहाँ पे एक प्लास्टिक का डिब्बा जिसका हमने चित्र बना लिया है इसकी लंबाई डेढ़ मीटर चौड़ाई एक दशमलव दो पांच मीटर और ये जो गहराई है पैंसठ सेंटीमीटर है ये जो डिब्बा है इसका ये ऊपरी सतह खुला हुआ है तो चलिए यहाँ पे जो दिया गया है लिख लेते हैं एल बराबर लेंथ है लेंथ है एक दशमलव पांच मीटर ब्रेथ बी है बी है एक दशमलव दो पांच मीटर और गहराई चलिए इसको एच मान लेते हैं पैंसठ सेंटीमीटर सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं क्योंकि यहां पे दोनों मीटर में हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सौ से भाग करेंगे तो यहां देखिए दो जीरो हटाएंगे दो अंक पहले दशमलव लगा देंगे इतना हो जाएगा मीटर अब चलिए सबसे पहले हम सीट का क्षेत्रफल निकालते हैं पहला वाला सीट का क्षेत्रफल सीट का क्षेत्रफल ये जो डिब्बा है इसकी चारों दीवारें जो है और निचला सतह इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है ऊपरी सतह का क्षेत्रफल नहीं निकालना है तो क्या करेंगे सबसे पहले हम जो छह सतह है सबका क्षेत्रफल निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें से ऊपरी सतह के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है दो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल संपूर्ण पृष्ठ हो गया उसमें से ऊपरी सतह के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो एल गुड़े बी ऊपरी सतह का क्षेत्रफल है अब चलिए यहाँ पे मान रखते हैं दो एल है एक दशमलव पांच गुड़े बी है एक दशमलव दो पांच प्लस बी है एक दशमलव दो पांच गूढ़े एच है एच है दशमलव छ पांच प्लस एच है दशमलव छ पांच गूढ़े एल है एक दसमलव पांच माइनस एल गुड़े बी तो एल है आपका एक दशमलव पांच एक दशमलव पांच गुड़े एक दशमलव दो पांच चलिए इसे हल करते हैं एक दशमलव पांच का गुड़ा जब एक दशमलव दो पांच से करेंगे तो यहां लिखेंगे दो और यहां हो जाएगा एक दशमलव आठ सात पांच प्लस एक दशमलव दो पांच का गुणा जब जीरो दशमलव छ पांच में करेंगे तो आपका उत्तर आएगा जीरो दशमलव आठ एक दो पांच प्लस दशमलव छह पांच का गुणा जब एक दशमलव पांच से करेंगे तो आएगा जीरो दशमलव नौ सात पांच ब्रेकेट बंद माइनस इसका गुणा जब इससे करेंगे तो आएगा एक दशमलव आठ सात पांच अब चलिए इसे हल करते अंदर जोड़ेंगे तो दो जोड़ेंगे जब इन सबको तो आएगा तीन दसमलव छ छ पांच यहां गुड़ा का चिन्ह आ जाएगा माइनस एक दसमलव आठ सात पांच अब दो से इसका गुड़ा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा सात दसमलव तीन दो पांच माइनस एक दसमलव आठ सात पांच इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने पर आएगा आपका पांच दशमलव चार पांच इतना मीटर स्क्वायर तो ये पहले का उत्तर है पहला का उत्तर यहां पे आ गया है अब चलिए दूसरा वाला निकालते हैं दूसरा क्या निकालना था इस सीट का मूल्य यदि एक मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बीस रुपया है तो सीट का मूल्य सीट का मूल्य एक मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है बीस रुपया है तो इतना मीटर स्क्वायर आया है तो बीस से गुणा कर देंगे बीस गुड़े पांच दशमलव चार पांच तो गुड़ा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा एक सौ नौ एक सौ नौ रुपया तो ये दूसरे का उत्तर है